जीरे मिलाई है और एक अदद नींबू मिलाया है। अब ये मसाला मैं मिर्चों में भरूंगी और इसके साथ दाल के साथ बहुत मज़ा, दाल के साथ बहुत मज़े का लगता है। और आज मेरा चावल अच्छे नहीं लगे हैं, चावल दोपहर को अच्छे लगते हैं। सही, आपको ये कितना अच्छे लग रहे होंगे। पापा जा रहे हैं नन्नो, ये देखिए आपके पापा के साथ हंसी मजाक कर रही हैं, पैसे मांग रही हैं। पापा ने पैसे दिए इनको, पैसे दे दिए आपको? हफ्ता दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? ठीक है, हफ्ता दे दिया, सुबह सुबह शाम में हफ्ता दोबारा दे दिया। अब रमजान काम पे जा रहे हैं, ये इन्हें इनकी बाइक पे बैठ गई हैं, सामने भाई बैठे हैं हमारे। बाय बाय। अच्छा सलाम तो कर लो यूट्यूब फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पे अपने पापा की बाइक पकड़ी हुई है और चीज खा रही है। आज इन्होंने स्कूल की छुट्टी कर ली है, छुट्टी कर ली तब सही नहीं हुई ना, बेचारे का बुखार चढ़ा जा रहा है, बार बार इनको बुखार हो जा रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। चले दुआ करेंगे आपके जल्दी से आपको बुखार सही हो जाए। भाई यूट्यूब फैमिली आप लोग भी दुआ करिएगा हमारी ननों के बुखार। बच्चे मैच खेल रहे हैं और हमने कहा चले थोड़ा धूप लगा लें, थोड़ा बाहर बैठते हैं। मुन्नी को भी बुखार हो रहा था, मैंने कहा आप भी धूप लगा लो, तो वो कह रही नहीं मैं धूप में नहीं बैठूंगी, वो छाया में बैठी हुई है। और बच्चे मैच खेल रहे हैं गली में, इंजॉय हो रहे हैं। बच्चों की छुट्टी है कुछ गली में बच्चों की ना, हमारे भतीजे की भी छुट्टी है, हमें बाहर साल कर रही है उनका। बच्चे आपस में किसी के गेंद में ना मरते, फिर लड़ाई वगैरह होती है ना। ये देखे ए, ए, ये देखे हमारे गली में बकरा। ये आज गली में बच्चों का क्रिकेट हो रहा है, ये हमारे नुमान साहब का मैच चल रहा है आज। है नुमान, आराम से आराम से, बच्चों की नहीं लगे, आराम से। ये हमारी हमारी नन्नो साहब बाहर बैठ गई है, मैंने इनसे बोला धूप लगाए। ओ ये शॉट मारा नुमान साहब ने। देखिए यूट्यूब फैमिली, हमारी भतीजी की तबीयत खराब है, आप दुआ करें कि इनका बुखार जल्दी से सही हो जाए। आज इनको पूरा 8 दिन हो चुके हैं, कल दूसरा डॉक्टर चेंज करा भाभी ने, और अभी भी फर्क है, अभी भी बुखार हो रहा है, तो मैंने इनको लिटाया हुआ है। ये मेरे पास आ जाती हैं, आराम से लेट जाती हैं। ये देख लें हमारे दूसरे बेटे भी आ गए हैं, ये देखें आप लोग देख रहे हैं, ये देखें, ये देखते हैं कि ये मुन्नी लेटी हुई है तो मैं भी साथ लेटूं, ये क्यों बैठे हुई है, ये भी मेरे साथ बैठेंगी। चलो भाई नन्नो, देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, मुन्नी मुन्नी के पास बैठी हुई हूँ ना मैं, तो इसलिए परेशान हो रही है। ये देखें टाइगर, टाइगर मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, प्यारा सा, बहुत प्यारा है। देख लें आप इनका प्यार, देखें जरा, ये छोटे छोटे से थे, हमने छोटे छोटे से इनको पाला है। पापा जी मेरे ऊपर भार रखे, देखो जरा मुन्नी के ऊपर चढ़ रहा है, आप ही को तंग कर रहे हैं आप, हाँ आप ही के ऊपर बैठेंगे आप। ऐसे भूख लग रही है, अब ये टाइगर बिस्किट खाएंगे। हाँ इनका टाइम हो गया, सीरियस इन्होंने खा लिया था, अब ये टाइगर बिस्किट खाएंगे, है ना टाइगर, अब टाइगर बिस्किट खाएंगे, ये टाइगर है और टाइगर बिस्किट ही खाते हैं। है ना, मेरी शोना, मेरा शोना, मेरा बच्चा, कुच्चा कुच्चा है, तो सीरियल्स पसंद है भाई, देख ले सीरियल को, सीरियल्स पसंद है। अब सीरियल्स इतना महंगा हो गया, एक सीरियल्स का शाशा 35 रुपए का आता है, और ये माशाल्लाह सीरियल्स ही खाते हैं, पहले बिल्ले हैं हमारे। वैसे खाते हैं चिकन वगैरह बनाती हूँ, हड्डी वगैरह ज्यादा शौक से खाते हैं, बोटी तो शौक से नहीं खाते, देते हैं हम लोग। मतलब मैं इसको ना रेगुलर गोश्त नहीं लेकर आती, बस सिर्फ सीरियल्स दिए, बिस्किट दिए, बस इतना ही सही है ना भाई, इतना ही सही है ना, वरना बच्चा बिगड़ जाएगा हमारा, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना, है भाई ननो। देखो हमारी बच्ची सो रही है, अभी सो के उठी है ये, है ना जी। आप लोग भी दुआ करिएगा भाई मेरी भतीजी का बुखार जल्दी उतर जाए, यूट्यूब फैमिली प्लीज। हाँ आपकी तरफ कह रही, मेरी तरफ करो, ये देखिए हमारे टाइगर में तंग कर रहा है, और कल ये मेरे पेट में चढ़ के सिरपाई पे चढ़ रहा था।
आपके पेट पे चढ़ गए थे? जी हाँ भाई, इनके ये ना टाइगर जो है ना, इनके पेट पे चढ़ गए थे। ये रात को सो रही थी, ये परेशान हो रहा था कि मैं इसके पास बैठी हुई थी तो ये परेशान हो रहे हैं कि या भाई इनके साथ क्यों बैठी हुई है, तो इनके पेट पे चढ़ कर आए ये, है ना। चलो यूट्यूब फैमिली को बोलो, आप लोग भी अपने घर का जल्दी काम कर लीजिए। हमारी अप्पो ने तो सारा काम कर लिया घर का, है ना जी। बस ये अभी यूट्यूब फैमिली अभी पानी वाले को बुलाया है, 8 दिन के बाद पानी डलवाना होता है, तो पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो जैसे पानी वाला आएगा फिर पानी भरेंगे। अभी इसने कहा था कि मैं आपको कॉल करूँगा, जैसे वो कॉल करेगा तो फिर मैं पानी भरूँगा। देखें हमारी नन्नो की ईशल आ गई है, तो ईशल को दिखाओ, ईशल को दिखाओ ज़रा, आपकी ईशल कैसी लग रही है? नन्नो ईशल आप में मिल रही है, आपके कपड़ों में मैच हो रही है, है ना, आपके कपड़ों में मैच हो रही है ना। आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, आज मेरा मूंग मसूर बनाने की दाल। अभी मैंने दाल को भिगो ले रख दिया, और ये हमारे साइड पे मिर्चे हैं, इसके साथ हम हरी मिर्चें भी बनाएंगे। और ये देखने, ये हरी मिर्चों का मसाला होता है ये वाला, और ये मैंने इसमें इमली मिलाई है, ये देखने इसमें इस मसाले में हमने इमली मिलाई है, और मैंने 1 अदद नींबू मिलाया है। अब ये मसाला मैं मिर्चों में भरूंगी, और इसके साथ दाल के साथ बहुत मज़ा, दाल के साथ बहुत मज़े का लगता है। और आज मेरा मूड हो रहा था, मिर्चें रखी नहीं थी, तो मैंने कहा वो मसूर की दाल पकाते हैं, और हो सकता है चावल बनाओ, कोई पता नहीं है कि चावल बनाओ, लेकिन ये है कि रोटी ज़रूर बनेगी। और जैसी दाल हमारी तैयार होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको देखो भिगोने रखी है, भीग के दाल अच्छी बड़ी हो जाती है ना, सही है, फिर जैसी पकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर हमारी मिर्चें फ्राई हो रही हैं, मैंने मिर्चें फ्राई करने रख दी हैं, कलर भी अच्छा लग रहा है। और इधर हमारी दाल पकने के लिए तैयार हो चुकी है, बस फिर जीरे का बघार लगाएंगे। आपको इतना अच्छी लग रही होंगी, थोड़ी सी और फ्राई होंगी, तैयार है। ये देखिए यूट्यूब फैमिली, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आज हमने बनाई मूंग मसूर की दाल, और इसमें मैंने बघार लगाया है, जेना प्याज और जीरे का बघार लगाया है। और ये देख रहे हैं हमारी हरी मिर्चें भी तैयार हो चुकी हैं, ये देख रहे हैं हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आपको यकीनन अच्छी लग रही होगी। और इसके साथ ही हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। अब दाल में थोड़ा सा बस सिर्फ हरा धनिया डालूंगी, आज हमारा दाल पकाने का मूड हो रहा था तो हम इनके चला दाल बनाते हैं, और साथ में हरी मिर्चें भी बनाते हैं। मैं आज रोटी बनाऊंगी, चावल भी बनाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो चावल अच्छे नहीं लगे, चावल दोपहर को अच्छे लगते हैं, सही, आपको यकीनन अच्छे लग रहे होंगे। फैमिली आपको आज यकीनन ना मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। आज हमने दाल बनाई है, साथ में हरी मिर्चें बनाई है, चटपटी सी मज़ेदार, और मैंने खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, और बहुत मज़ा आया खा के। मेरे छोटे भतीजे उनको तो बहुत अच्छी लगी है, उन्होंने तो फ़ौरन मैं से हरी मिर्चें ले ली कि अप्पा हमें दो। और आप लोग भी बनाइएगा, इस तरह की हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं। और मूँग मसूर की दाल सादी रखें, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के बनाएं, और है ना सादी रखें, और फिर उसके साथ मिर्चें खाएं, क्योंकि है ना मिर्च सादी दाल होगी ना तो मिर्चें आराम से खाई जाएंगी, और मुंह भी नहीं जलेगा, और अच्छी भी लगेगी, मज़े की भी लगेगी, और हमारे रमज़ान को तो बहुत पसंद है। चलें यूट्यूब फैमिली, इसके साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।